नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा शो एंटरटेनमेंट स्पेशल, जहां हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ कहानियां। तो बॉलीवुड सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण इन दिनों सुर्खियों में हैं और वजह है उनकी शादी। जी हाँ, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने 1 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी कर ली है। आदित्य की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लेकिन शादी के बाद अब दोनों के रिसेप्शन की वीडियोज भी लोगों को खूब पसंद आई है। इन वीडियोज में आदित्य और उनके पापा भी परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेप्शन में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष भी नजर आए। आदित्य और श्वेता ने 1 दिसंबर को मंदिर में शादी की थी। 2 दिसंबर को 5-स्टार होटल में उन दोनों का रिसेप्शन था। शादी कम लोगों के बीच हुई थी, लेकिन रिसेप्शन में उनके परिवार के लोग और दोस्त भी शामिल हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। उदित नारायण और उनकी वाइफ दीपा ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पॉपुलर सॉन्ग मेहंदी लगा के रखना पर परफॉर्म किया। एक्टर राहुल रॉय के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल कुछ दिन पहले सेट पर राहुल रॉय की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार है। डॉक्टरों ने राहुल की स्पीच और फिजिकल थेरेपी पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें, राहुल के एक रिश्तेदार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब वो खतरे के बाहर हैं और उन्हें ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। राहुल करगिल में फिल्म LAC लिव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया था। हाल ही में राहुल करगिल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और पिछले हफ्ते मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। कहा जा रहा है कि तापमान में गिरावट के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। फिल्म में उनके साथ काम कर रहे एक्टर और बिग बॉस 14 के पूर्व कंटेस्टेंट निशांत सिंह मलखानी ने बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से उन्हें एक रात पहले यानी सोमवार की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन हो सकता है वहां से तापमान के चलते उन्हें परेशानी हुई हो, क्योंकि इस समय करगिल में तापमान -15 डिग्री है। बॉलीवुड सितारे अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ ना कुछ शेयर करते हुए नजर आते हैं। इस बीच नताशा का उनके बेटे अगस्त्य के साथ एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फैंस अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा खूब प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो में नताशा और उनका बेटा बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं। नताशा ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में नताशा के साथ उनकी गोद में बेटे अगस्त्य भी नजर आ रहे थे। वीडियो में ही पीछे टीवी पर ऋतिक रोशन की फिल्म का गाना चल रहा है, जिस पर नताशा अपने बेटे के साथ डांस कर रही है। नताशा के फैंस उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं। हार्दिक और नताशा ने जनवरी 2020 में अचानक सगाई करके सभी को चौंका दिया था। सगाई के करीब 4 महीने बाद 31 मई को इस कपल ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है और उनके घर एक जल्द ही नन्ना मेहमान भी आने वाला है। फिर नताशा ने बेबी बम्प की भी फोटो शेयर की थी। इसके साथ 30 जुलाई को इसके बाद नताशा ने अपने बेटे अगस्त्य को जन्म दिया था। साल 2020 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साल हर किसी के लिए मुश्किलों से भरा रहा है और लोगों को एक के बाद एक झटके भी लगे। और इसमें सबसे बड़ा झटका था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। दरअसल 14 जून को सुशांत ने अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। यही वजह है कि सुशांत सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली हस्ती बन गए हैं। दरअसल याहू इंडिया पर सुशांत को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और इतना ही नहीं, सुशांत के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया का नाम भी शामिल है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स के लेनदेन का आरोप था, जिस वजह से वो सर्च की जाने वाली हस्तियों में 3rd नंबर पर हैं। इस लिस्ट में बता दें, PM नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत जैसी हस्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें लोगों ने इंटरनेट पर खूब सर्च किया। याहू की ओर से शेयर की गई लिस्ट में मेल सर्च में सुशांत के बाद अमिताभ बच्चन को ज्यादा सर्च किया गया है। फिर अक्षय कुमार और सलमान खान का नंबर आता है। इरफान खान इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। वहीं ऋषि कपूर, SP बाला सुब्रमण्यम, सोनू सूद, अनुराग कश्यप और अल्लू अर्जुन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अपने पोते करण देओल के साथ काम करने की तैयारियां शुरू कर चुके अभिनेता धर्मेंद्र उम्र में इस पड़ाव पर आकर भी अपने प्रशंसकों के मनोरंजन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका कहना है कि उनके प्रशंसकों ने ही उन्हें एक बड़ा कलाकार बनाया, इसलिए वो अपने प्रशंसकों को मनोरंजन करना उनका कभी भी बंद नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि जब तक वो काम करने लायक है,
तब तक वो एक अभिनेता के रूप में नए नए किरदारों के साथ प्रयोग करने में जुटे रहेंगे। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने हाल ही में देओल परिवार के साथ फिल्म अपने टू बनाने की घोषणा की है। इस फिल्म में देओल खानदान की तीन पीढ़ियां एक साथ पर्दे पर नजर आएंगी। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल तो होंगे ही, साथ ही सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र इस फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित है। निर्देशक अनिल शर्मा ने हाल ही में देओल परिवार के साथ फिल्म अपने टू की घोषणा की है। इस फिल्म में देओल खानदान की तीन पीढ़ियां एक साथ पर्दा साझा करेंगी। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल तो होंगे ही, साथ ही सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी इस फिल्म का हिस्सा रहेंगे। साल 2007 में धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों के साथ फिल्म अपने से जादू बिखेरा था और इसके बाद अब अपने का सीक्वल यानी कि अपने टू बनने जा रहा है। अपने टू कई दिनों से प्रोसेस में था और अब इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग भी लिखी जा चुकी है। इसी फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च में पंजाब और यूरोप में होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद तभी से एनसीबी की एक बड़ी कार्रवाई को एनसीबी ने अंजाम दिया था और इस पूरे केस में सबसे बड़ी कार्रवाई सुशांत की गर्लफ्रेंड प्रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित पर की गई और ड्रग्स के लेनदेन के आरोप में दोनों को एनसीबी ने गिरफ्तार भी किया था। रिया को तो पहले ही जमानत मिल चुकी थी लेकिन अब उनके भाई शोभित को भी कोर्ट से करीबन 3 महीने बाद जमानत मिल चुकी है। ड्रग्स केस में जांच के दौरान एनसीबी को शोभित चक्रवर्ती के खिलाफ कई पुख्ता सबूत भी हाथ लगे थे। उनकी रिया संग व्हाट्सएप चैट से लेकर बासित और ज्वैत संग कनेक्शन तक कई ऐसी बातें सामने आई थी जिसके बाद एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शोभित को गिरफ्तार कर दिया था। उस समय शोभित को एनजीपीएस एक्ट की धारा 8C, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया था। शोभित के अलावा सैमुअल मिरांडा को भी इन्हीं धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। बताया गया था कि शोभित चक्रवर्ती कई बड़े ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था। ये भी कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी शोभित को कई तरफ से ड्रग्स का इंतजाम किया जाता था शोभित की तरफ से। वहीं वायरल चैट के मुताबिक खुद रिया ही कई मौकों पर शोभित के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी। इन्हीं सबूतों के आधार पर एनसीबी ने शोभित के खिलाफ एक मजबूत केस बनाया था। पिछले महीने तो शोभित की बेल तक को रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन अब रिया के भाई को भी राहत दे दी गई है और उन्हें बेल मिल गई है। एंटरटेनमेंट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।